भी होते हैं या आर्मी की भर्ती भी होती है, वो जो है इस लाइन से ना चुपक के भक्के एडी रख रखी है ना, ये बहुत ज्यादा गलत एक्शन है। इससे जो हमारी स्पीड बहुत ज्यादा। स्वागत है मेरे चैनल में। तो काफी लोग बहुत ज्यादा तंग रहते हैं इन दो टॉपिक से, तेज कैसे भागे, टाइमिंग कैसे कम हो रनिंग में। काफी लोगों के फिजिकल आ रहे हैं और काफी लोगों के रनिंग स्पोर्ट्स में जो है अपना परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। तो मैं आज आपको ऐसा वर्कआउट बताऊंगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस उससे कम ना हो जाए 1 महीने के अंदर और आपकी टाइमिंग अच्छी ना हो जाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी टाइमिंग, परफॉर्मेंस और तेज भागने में, स्पीड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है तो इसी वीडियो में कमेंट जरूर करना और वीडियो पूरी देखना। आज इतनी कमियाँ बताऊंगा जो लोग रनिंग में गलती करते हैं, किस वजह से हमारी स्पीड नहीं आ पाती, तो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत अच्छी होगी, तो शेयर जरूर करना। जो हमारे टॉपिक होंगे आज, पहले होगा रॉन्ग फुट लैंड, इससे बहुत ज़्यादा स्पीड में फर्क पड़ता है। दूसरा स्टेप, काफ़ी लोग क्या है स्टेप में, वो वाले नहीं कह रहा हूँ कि पैर कैसे खोलें, काफ़ी लोग जो लॉन्ग रनिंग करते हैं या छोटी रनिंग भी करते हैं पैर पीछे की तरफ फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं अपने टाइम में, हवा का, ग्रेविटी का, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा मैं ड्रिल्स के बारे में, वो करनी चाहिए जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फिर बताऊंगा वर्कआउट क्या करना आपको, 1 महीने का पूरा वर्कआउट बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देंगे आपकी ज़िंदगी में। तो पहले बात करते हैं रॉन्ग फुट लैंड के बारे में। रनिंग करने से पहले हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि काफ़ी लोग जो है इस तरीके से भगते हैं एडी पे, ठीक है। आप देख सकते हो इसने जो एडी रख रखी है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत एक्शन है। इससे जो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है, जैसे कि हमारी टाइमिंग जो 400 मीटर की, अगर 1 मिनट की आ रही है ना ऐसे फुट लैंड करके, अगर हम सही तरीके में भगेंगे इस एक्शन में तो वो कम से कम 55 की होगी, पूरा 5 सेकेंड का फर्क आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रनिंग में ध्यान देना कि हमें ये एक्शन यूज करना है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग सोचेंगे कि अरे यार एडी पे भगो, पंजे पे भगो, कोई मायने नहीं रखता। तो आपको साइंस के हिसाब से समझाता हूँ मैं, फोटो चेंज आपको साइंस के हिसाब से समझाऊँ तो, अगर हमारे पंजे पर भगना मायने नहीं रखता तो जो स्पाइक्स हैं हमारे, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट तक या बड़े से बड़े जो भी लेवल हैं वहाँ स्पाइक यूज होते हैं, तो अगर हमें एडी पे ही भगना होता तो ये स्पाइक पे नेल्स आगे नहीं होती, ये एडी पे भी होती और आगे भी होती, ठीक है। तो ये आगे क्यों रखी, ये पीछे एडी पे क्यों नहीं रखी, समझ लो आप। तो ये साइंस के हिसाब से भी और हमारी स्पीड के हिसाब से भी स्पाइक पे नेल्स इसलिए अच्छी आगे रखी गई क्योंकि स्पीड और सारी चीज़ें जो हमारी होती है ना वो पंजे पर भगने से ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब आपको मैं रनिंग के बादशाह जो कहे जाते हैं, ओलंपिक में कई बार मेडल है, लॉन्ग रनिंग के सबसे अच्छे प्लेयर हैं मोफरा, उनके एक बार वीडियो दिखा देता हूँ और आपको एक्शन दिखा देता हूँ, आ जाकर अब आपको आप देख सकते हो मोफरा का स्लो रनिंग एक्शन। आप पंजे देख रहे हो, एडी बहुत ही हल्की सी उठ रही है, जो पहला एक्शन आ रहा है वो पंजे का आ रहा है, ठीक है। इस इंसान के 10 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल है, मतलब कि 2016 से लेकर 19 के बीच में। तो मैंने आपको फुट लैंड का बता दिया कि हमें कैसे पैर रखना है। देखो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, काफ़ी लोगों का ये हो रहा होगा कि यार वो बताओ वर्कआउट, बताओ वर्कआउट, पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी क्योंकि रनिंग में तेज़ भागना है और अच्छी टाइमिंग लानी है, तो ये चीज़ें पहले समझो फिर वर्कआउट करो। तो मैंने पैर का बता दिया कैसे भागना है, पंजा रख के, ठीक है, एडी पर नहीं भागना। अब दूसरा, काफ़ी लोग गलती करते हैं, मेरी पुरानी फोटो है जो मैं भी गलती करता था, ये जो पैर आपको दिख रहा है ना ये पीछे की साइड ज़्यादा जा रहा है, इससे क्या है हमारा टाइम वेस्ट है, एक तरीके से हमारी 1 सेकंड पूरी हम खा रहे हैं, ठीक है। तो ये पैर इस तरीके से नहीं आना चाहिए, जो हमारा असली एक्शन होना चाहिए जो मैंने भी सुधारा था, तो आपको मैं दिखाता हूँ। जो हमारा रहना चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जूम करो थोड़ा सा, देख सकते हो ये जो पैर दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से पैर एल टाइप में ज़्यादा आगे आना चाहिए। ये ठीक कैसा होगा, ये हमारे ड्रिल्स होगा, ड्रिल्स के बारे में बताऊंगा, अभी वीडियो दिखाऊंगा। ये मेरी केनिया की प्रैक्टिस की वीडियो है, आप देख सकते हो, इस एथलीट का देख सकते हो, मेरे साइड वाले का देख सकते हो, सबके जो पैर है ना वो एक ही साथ आगे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सब एक्शन जो है सुधारे गए हैं, ड्रिल्स करे गए हैं, जो एक प्रोफेशनल एथलीट होता है उसके पैर इस तरीके से आगे आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये पैर जो है एल टाइप में आगे ज़्यादा आना चाहिए, ना कि पीछे की साइड ज़्यादा जाना चाहिए। जितना हमारा पीछे लगेगा, जितना हमारा पीछे जाएगा वो टाइम बर्बाद है और हमारी पूरी 1-2 सेकंड बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें सुधारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको ड्रिल्स का बताऊँ,
रील्स को बताने से पहले एक गलती और बता दूं, हमारे एथलीट बहुत ज़्यादा वो करते हैं अपने गलती को, इसको इससे जो है टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ कर आती है। इसको सबसे ज़्यादा मेनली ध्यान में रखना है, ये जो हमारे रनिंग का ट्रैक है ना, इस पे जो ये आपको लाइन दिख रही है, काफ़ी लोग क्या रहते हैं जिनके फिजिकल्स भी होते हैं या आर्मी की भर्ती भी होती है, वो जो है इस लाइन से ना चिपक के भग के यहाँ भगते हैं। आपका यहाँ भगने का मतलब है कि आप 10 मीटर फालतू भग रहे हो। 10 मीटर फालतू भगने का मतलब है कि जैसे आपकी 1600 मीटर की रेस, अगर आप यहाँ को होकर भगो ना पूरा, तो वो 1640 मीटर बड़ी पड़ी, 40 मीटर बड़ी पड़ी, मतलब कि 7-8 सेकंड आप बढ़कर भगे हो। ठीक है, आपका फिजिकल हो या आप कोई भी रेस हो, आपको ध्यान रखना है, चाहे कितनी भी भीड़ हो कुछ भी हो, आपको यहाँ चिपक कर भगना है। ठीक है, आप और मतलब जब हमारे जो सेट आती है ट्रैक की, उधर तो आप ऊपर की साइड भग सकते हो, जो कर्व है ना, कर्व में हमेशा चिपक के भगना, कर्व में इधर को भगने का मतलब 10 मीटर भाटा भगना। ठीक है, तो हमेशा चिपक के भगना। अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो हमारी जो ट्रैक की सेट लाइन है सीधी, तो वहां से ऊपर से निकल के फिर कर्व में आपको अंदर होके भगना है। ठीक है, तो अब हम आपको ड्रिल्स बता रहे हैं कौन कौन सी करनी है। जो हमें ड्रिल्स करनी है, वो पहले हाइनिंग करनी है। ये ड्रिल्स में क्या ध्यान रखना है, हमें घुटना सीधा रखना है। ठीक है, थर्ड में इसमें भी घुटना सीधा रखना है, और हाथ हमारा पीछे से घूम के आना चाहिए। ठीक है, चौथी में जंप करके इसमें भी घुटना सीधा होना चाहिए, और पंजे छूने की कोशिश करनी है। इसमें 1 2 3 और फिर लेग चेंज करना है। ठीक है, इसमें 1 लेग इस तरीके से करना है। ठीक है, इन एक्सरसाइज को गौर से देखते रहो आप, और आपको ये फॉलो करनी है रोज वर्कआउट के बाद। वॉर्म जो हमें ड्रिल्स करनी है, ये करनी है हमें वार्म अप के बाद, और जैसे हमारा स्पीड वर्कआउट है तो उसमें वार्म अप के बाद होगी, जैसे हमारी लॉन्ग रनिंग है तो वो लॉन्ग रनिंग के बाद होगी। ठीक है, तो आपको ड्रिल्स करनी है कब कब, लॉन्ग रनिंग के बाद, और जिस दिन स्पीड वर्कआउट हो उस दिन वार्म अप के बाद। सुबह शाम दो दो सेट करने हैं, जो एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई है रोज करनी है, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। अब मैं बताता हूँ आपको वर्कआउट 1 महीने का पूरा बताता हूँ, वर्कआउट जो है किस तरीके से करना है। ये वर्कआउट पहले आपको 2 हफ्ते करना है, और 2 हफ्ते के बाद कौन सा वर्कआउट करना है वो बताऊंगा। इसमें क्या करना है, पहले मंडे को 55 मिनट रनिंग करनी है, और ड्रिल्स जरूर करनी है, जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई। 55 मिनट रनिंग करने के बाद ड्रिल्स के हर किसी के 2 सेट करोगे। 55 मिनट में कोई पेस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एकदम स्लो रनिंग करनी है। ठीक है, स्लो रनिंग से बहुत अच्छा एंड्योरेंस बढ़ता है। तो 55 मिनट रनिंग, 55 मिनट मंडे को कोर, कोर की वीडियो बना दूंगा, कोर की एक्सरसाइज की आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कोर कैसे होती है। और फिर शाम को 35 मिनट रनिंग, जॉगिंग, स्लो रनिंग एकदम। ट्यूजडे को आपको 5 लैग करना, मतलब कि स्लो फास्ट करना है, 2 मिनट फास्ट 1 मिनट स्लो, 8 बार करना है। ठीक है, 1 मिनट स्लो रहेगी जॉगिंग, रुकना नहीं है जॉगिंग, और 2 मिनट फास्ट करनी है जितनी आप कर सको, इसमें कोई वो नहीं है कि इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है। वेनसडे को 45 मिनट ईजी रनिंग करोगे, स्लो एकदम, और PM को जिम करोगे। जिम की मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो रनिंग की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जिम की। थर्सडे को 8 किलोमीटर पेस रनिंग करनी है, 3:30 से। 3:30 से तो आप लोगों से मुश्किल होगी, तो आप लोग अपनी पेस से करोगे, जितने से आप 8 किलोमीटर कर सको मैक्सिमम, 4:30 की से कर सको, 4 की से कर सको, जो बिगनर है 5 से करो, पर थोड़ा तेज करो अपने हिसाब से। फिर शाम को 25 मिनट ईजी रनिंग करनी है। फ्राइडे को वार्म अप ABC स्ट्राइक, ABC की भी वीडियो बना दूंगा मैं, और दूसरों के चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। पर वार्म अप आपको हर उसमें करना है। ठीक है, जैसे आपका ये वर्कआउट है 5 लेग, तो 15 मिनट वार्म अप मिनिमम होना चाहिए। 8 किलोमीटर पेस रनिंग है, तो उससे पहले 15 मिनट वार्म अप मिनिमम होना चाहिए। और फ्राइडे को वार्म अप 15 मिनट ABC स्ट्राइक लगानी है, स्ट्राइक 80 मीटर की, 8 या 10 लगा सकते हो आप। शाम को 20 मिनट रनिंग। सैटरडे को ट्रैक वर्कआउट करना है 600 की 6, 200 मीटर जॉगिंग पर, 200 मीटर जॉगिंग पर करना है, रुकना नहीं है, 600 की 6, और अपनी बॉडी के हिसाब से लगाओगे। मैं आपको कोई टाइमिंग टारगेट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं आपकी बॉडी को जानता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये 2 हफ्ते करना है, और ये वर्कआउट जो है 1500 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक के बंदे कर सकते हैं, गारंटी कह रहा हूँ। 1 महीने के अंदर अगर आपकी टाइमिंग कम ना हो जाए, जो आपका इवेंट है, तो आप मेरी इस वीडियो में आके कमेंट करके बता देना भाई फ़ायदा नहीं हुआ, 110% होगा। 2 हफ्ते से फॉलो करना पहले, ठीक है, आपको मैं समझा दिया, संडे रेस्ट है, टाइमिंग अपनी बॉडी के हिसाब से लगाओगे, 70% एफर्ट से। ठीक है, ड्रिल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, दो दो सेट करना है। ठीक है, अब अगला वर्क, इसमें जो है अब ये 2 हफ्ते बाद, जब 2 हफ्ते हो जाएंगे उसके अगले 2 हफ्ते बाद ये वर्कआउट चालू करना, तीसरे हफ्ते से 60 मिनट रनिंग प्लस कोर, और शाम को 45 मिनट जॉगिंग। ठीक है, आपको पिछली बार मैं समझा दिया मैंने कोर और ड्रिल्स का बहुत ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ मैं। ट्यूजडे को 5 लेग करना है, पिछली बार जो आपने 8 बार करा था, इस बार 10 बार करोगे, 1 मिनट स्लो जॉगिंग में, इवनिंग ड्रिल्स और स्ट्रेचिंग करोगे। वेनसडे को ईजी रनिंग 50 मिनट, और शाम को रेस्ट और मसाज, मसाज की वीडियो भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे। ठीक
ठीक है, जो स्लो रनिंग मैंने इजी लिख रखे हैं इसमें एकदम स्लो करना, तेज मत करना, तेज करोगे तो आपका नुकसान है, बॉडी लोड मार के इंजरी हो जाएगी। स्लो रनिंग से जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है इतनी किसी से नहीं आती, ठीक है। थर्ड से हील 300 मीटर की 12 लगाओगे, अगर आपके यहाँ कोई फ्लाई ओवर है कुछ है 300 मीटर का तो लगा सकते हो, अगर ऐसी हील नहीं है तो ये वर्कआउट आप ट्रैक पर कर सकते हो 100 मीटर जॉगिंग पे 12, और अगर हील पे है तो जॉगिंग बैक और अप करनी है, ठीक है। और 25 मिनट ईजी रनिंग करनी है शाम को। फ्राइडे को 8 किलोमीटर पेस होगी 3:30 से, अगर आपने पिछली बार 4:30 से करी, 4 मिनट से करी तो थोड़ी अपनी 10 सेकंड स्लो करके करना, ठीक है। 15 मिनट वॉर्म अप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपने वर्कआउट में, हर किसी में करना। सैटरडे 25 मिनट रनिंग जिम, उसके बाद 100 मीटर की 8 स्ट्राइक स्प्रिंट, शाम को 30 मिनट ईजी रनिंग और संडे रेस्ट, ठीक है। तो ये वर्कआउट आपका पूरा 1 महीने का हो गया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना, और 110% आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी यहाँ।